देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। समझ लो हम जो सेल करते हैं आर्टिकल को, हम सेल करते हैं 1 रुपीज का, ठीक है। अब बोलोगे इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, लेकिन अगर हम इसको सेल करने लगे इसके 80% पे, वो हो जाएगा ए इंटू 0.8, तो इस वजह से सेल करने की वजह से एक लॉस होगा 10% का, 10% का लॉस, ठीक है। लॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 10% का लॉस है, ठीक है, 10% का लॉस है। सेलिंग प्राइस तो ये था, सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल चुका था ए इंटू 0.8, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है लेकिन लॉस 10% है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी पी अपॉन 10, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये अपना लॉस हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, सी पी माइनस सी पी अपॉन 10 इज इक्वल टू ए इंटू 0.8, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस ये कितना आ जाएगा 9/10 इंटू ए 0.8, या फिर कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल गया 8/9, 8/9 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब पूछा क्या गया है, वॉट इज द परसेंटेज प्रॉफिट वेन द सेलिंग प्राइस सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अच्छा, वेन द आर्टिकल इज सोल्ड ओरिजिनल, तो मतलब ओरिजिनल ये 8/9 ही आ गया, तो मतलब 8/9 ओरिजिनल उसका ये कॉस्ट प्राइस निकला, और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये पहले वाला ए था, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 माइनस 8/9 का, 1/9 का, और कॉस्ट प्राइस 8/9 है इंटू 100, 9 कट जाएगा, 1/8 इंटू 100 आ रहा है, 1/8 12.5 हो जाता है, तो 12.5 12 1/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।